नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चैनल नंबर 10 पर हाजिर हैं हम लेकर अपना ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर, जो कि सोशल साइंस का है। और सोशल साइंस में आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज पार्ट टू, यानी कि राजनीतिक दल। इसके विषय में इसका जो भाग एक है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम पार्ट टू के बारे में जानेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना मेरे पास है जो कि मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वो ये है कि इस बार जो परीक्षा पे चर्चा है वो 27 जनवरी 2023 को होगी। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों से सीधा संवाद करेंगे। तो आइए हम अपने प्रधानमंत्री जी के जो उनके अनुभव हैं उनसे सीखें, उनसे सुने और सीखें कि किस तरह तनाव रहित रहकर परीक्षा को एक उत्सव बनाया जा सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन समेत अनेक टीवी चैनलों पर और ऑल इंडिया रेडियो पर किया जाएगा। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, 27 जनवरी 2023 को होने जा रही है परीक्षा पे चर्चा। इस उद्घोषणा के साथ हम अपना ये आज का सत्र शुरू करते हैं। आप भी हमारे इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। चाहे तो 8800440559 पर आप हमें फ़ोन करें और हमारे एक्सपर्ट से सीधे संवाद करें। यदि कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो बेहिचक डायल करें, या फिर क्लास 10th की ईमेल आईडी। मैं स्क्रीन पर स्वागत करूंगा श्री सुशील कुमार जी का। आप PGT हैं हिस्ट्री में और KV आसनसोल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुशील जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राहुल जी, और आपको और साथ में PME विद्या चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का आज के इस दूसरे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे अब ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा रिकैप हमें बताएं, ताकि हमारे बच्चे आज के इस पार्ट टू से खुद को जोड़ सकें और हमने पार्ट वन में क्या पढ़ा था, ताकि उन्हें वो मेमोराइज हो जाए और ताकि हम रिवाइज करें और फिर बी वाइज की तरीके से आज पढ़ें। जी बिल्कुल राहुल जी, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आज के इस सेशन के शुरू करने से पहले हम ये जाने कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था, और तभी हम इसे आगे लेकर एक अच्छा कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर में बिल्टअप कर सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आपने पहले सेशन में पढ़ा था, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दैट मींस दैट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ ए कंट्री, एंड ए डेमोक्रेटिक कंट्री कुड नॉट बी सक्सीडेड, एक लोकतांत्रिक सरकार तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वहां पे राजनीतिक दलों का एग्जिस्टेंस हो। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, और यही कारण है कि राजनीतिक दलों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है। क्लास 10th के बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, और जैसा कि फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस का टाइम आ गया है, तो मैं निश्चित रूप से ये उम्मीद करता हूं कि पहले सेशन में उनके ज्यादातर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जो बचे होंगे इस सेशन में हम उसे पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश करेंगे, सभी तरह के डाउट्स। जी तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा, फर्स्ट सेशन में हमने सबसे पहले कवर किया था एक पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी, एंड देन व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, देन वी हैड डिस्कस इज द पॉलिटिकल पार्टी रियली नीडेड इन अ डेमोक्रेसी, क्या लोकतंत्र में वास्तव में इसकी जरूरत है, देन एक पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, देन पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शंस क्या क्या हैं, क्यों जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की, क्या क्या काम करती है राजनीतिक दल, इस मुद्दे पे भी हमने डिस्कशन किया था, देन पार्टी सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया भर में राजनीतिक दलों का जो एग्जिस्टेंस है, क्या नेचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, क्या सभी जगह एक जैसा है, हम लोगों ने देखा था नहीं, कहीं सिंगल पार्टी सिस्टम काम करती है, कहीं बाई पार्टी सिस्टम काम करती है, और भारत जैसे देश भी हैं जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जिस्टेंस है। ये कवर करने के बाद लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कशन किया था, दैट वाज द टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। अब भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम तो है, तो क्या जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसमें सभी राजनीतिक दल एक जैसी हैसियत रखते हैं, क्या सभी दलों का समान
महत्व है या समान वैल्यू है या समान पावर रखते हैं, इसको लेकर जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था तो हमने देखा था अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द पॉलिटिकल पार्टीज आर इंडिया आर डिवाइडेड टू टू कैटेगरीज, वन इज द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, सेकेंड इज द स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। और हमने इस बात पे भी डिस्कशन किया था कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को बनने के लिए क्या क्या अनिवार्य शर्तें होती हैं, यानी एक राजनीतिक दल को क्या हासिल करना पड़ेगा तब जाके इलेक्शन कमीशन उसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा देगा, और एक स्टेट पार्टी बनने के लिए एक राजनीतिक दल को कितना सपोर्ट पब्लिक से हासिल करना पड़ेगा, इसकी क्राइटेरिया को भी हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। सो अब मुझे लगता है कि हम आगे की ओर बढ़े। सो शैल वी प्रोसीड राहुल जी? यस सर। ओके, सो जैसा कि हमने देखा था पिछले सेशन में, भारत में दो तरह के राजनीतिक दल हैं, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, सेकेंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी या राज्य के राजनीतिक दल जिसको कहा जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस राजनीतिक दल को नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में रिकॉग्नाइज करती है और किस पार्टीज को स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेयर करती है या रिकॉग्नाइज करती है, उसकी एक सर्टेन क्राइटेरिया है जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है हमारे पिछले सेशन। और यह भी बात हो गई थी कि अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया आज भारत के 9 राजनीतिक दल 9 पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया टुडे इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया एंड द मोस्ट रिसेंटली दैट इज एडेड इज आम आदमी पार्टी जिसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मान्यता प्रदान की। अब आज के इस सेशन में जो नए नए पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के होने का क्या फायदा है, व्हाट आर द एडवांटेज इन नेशनल पार्टीज हैविंग। उसके बाद जो मेजर राजनीतिक दल हैं, जो सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके विजन या एजेंडा क्या है, और इसके साथ साथ राजनीतिक दलों के चैलेंजेस क्या हैं और इन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जा सकता है, ये सभी मुद्दे हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द एडवांटेज टू नेशनल पार्टीज। तो शुरुआत करते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं या उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इज प्रोवाइडेड विद फ्री लैंड बिल्डिंग टू सेट अप पार्टी ऑफिस। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उनको अपने ऑफिस को एस्टेब्लिश करने के लिए लैंड या बिल्डिंग्स मुफ्त में प्रोवाइड कराए जाते हैं। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इज गिवन अ यूनिक पार्टी सिंबल। एंड व्हाट इज यूनिकनेस अबाउट इट, द सिंबल दैट इज प्रोवाइडेड टू अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांट बी यूज्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टीज इन द एंटायर कंट्री। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को जो सिंबल मिलते हैं वो देश के किसी हिस्से में दूसरा राजनीतिक दल उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब बच्चों के मन में डाउट हो सकता है, सर ऐसे अलग अलग सिंबल क्या एक सिंबल जो है एक सिंबल कई पार्टी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या या करते हैं क्या? तो उदाहरण के लिए बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे समाजवादी पार्टी है उनका जो है सिंबल साइकिल है जो यूपी में एग्जिस्टेंस रखती है अपना मुख्य रूप से। उसी तरह जब आप आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे तो वहां पे तेलुगु देशम पार्टी है जो अपना मेन एग्जिस्टेंस रखती है आंध्र प्रदेश में, उनका भी जो इलेक्शन सिंबल है वो साइकिल है। और कुछ समय के लिए समाजवादी पार्टी भी जो है हमारे देश की जो थी जो एक स्टेट पार्टी है आज वो नेशनल पार्टी के रूप में उनको मान्यता मिला हुआ था। और जब ऐसी परिस्थिति में अगर समाजवादी पार्टी देश के दूसरे हिस्से में इलेक्शन लड़ने जाती है, आंध्र प्रदेश में इलेक्शन लड़ने जाती और वो अपने चुनाव चिन्ह को कंटिन्यू करना चाहती तो तेलुगु देशम पार्टी को अपना साइकिल का चुनाव चिन्ह छोड़ना पड़ता। सो दैट इज द यूनिकनेस अबाउट द पार्टी सिंबल कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को जो सिंबल मिलता है वो रीजनल पार्टीज के पास अगर होता भी है तो उसे छोड़ना पड़ता है। सो नाउ इट इज 9 नेशनल पार्टीज 48 स्टेट पार्टीज एंड so many regional parties are existing in the country today.
इनके अलावा कई सारे और भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड तो होती हैं, लेकिन इन्हें नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कहा जाता है। सो आप देख सकते हैं कि भारत जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो रियली एक बहुत ही सही तरीके से कह सकते हैं यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम जो है एग्जिस्टेंस में है और सभी दलों को यहाँ सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। दैट इज व्हाई इट इज वी कैन से मल्टी पार्टी सिस्टम वर्क हियर इन ए वेरी ट्रू स्पिरिट। अब आइए हम एक एक करके नेशनल पार्टीज के विजन पे चर्चा करते हैं, उनका विजन या उनका एजेंडा क्या है। भारतीय जनता पार्टी विच इज पॉपुलरली नोन एज बीजेपी इन इंडिया, भारतीय जनता पार्टी जिसे भारत में बीजेपी के नाम से भी जाना जाता है, इनका चुनाव चिन्ह कमल छाप है, लोटस इज द सिंबल ऑफ बीजेपी। आज के देश में भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप अगर कोई है दैट इज भारतीय जनता पार्टी। ओके, इसकी स्थापना जो है 1980 में एक्चुअली भारतीय जनसंघ एक पुराना राजनीतिक दल था, उसी को रिवाइव करके जो है 1980 में एक नए दल का कह सकते हैं एग्जिस्टेंस हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है एंड करेंटली इट इज आल्सो द रूलिंग पार्टी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी पार्टी से ही संबंध रखते हैं। बीजेपी पार्टी अपने आप में भारत की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ भारत के सबसे बड़ा कोलाइशन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का भी लीड करने का काम बीजेपी ही करती है और इस एनडीए के तहत भारत के कई सारे राजनीतिक दल बीजेपी के को पार्टनर्स हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एजेंडा और द विजन ऑफ बीजेपी, सबसे पहले आप देखेंगे जैसा कि इसका जो चुनावी सिंबल इलेक्शन इसका जो पार्टी सिंबल है कमल जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है, तो बीजेपी के बारे में भी बात करें तो इंडियन एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है भारतीय जनता पार्टी। भारत का जो कोर कॉन्सेप्ट है हिंदुत्व जो कल्चरल नेशनलिज्म के नाम से भी जाना जाता है ये बीजेपी की स्पेशल फीचर के रूप में देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है या विश्वास है एक अखंड शक्तिशाली राष्ट्र, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें जम्मू कश्मीर जो संपूर्ण जम्मू कश्मीर हो वो भारत के हिस्सा के रूप में देखता है। बीजेपी पीओके और जो चाइनीज ऑक्यूपाइड जो कश्मीर का जो पार्ट है उसको भारत का ही हिस्सा मानता है और उसको मिला के ही एक अखंड भारत का निर्माण करने की बात बीजेपी पार्टी करती है। इसके साथ साथ बीजेपी पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की बात करती है, साथ ही साथ किसी भी तरह के रिलीजियस कन्वर्जन का बीजेपी जो है भारत में विरोध करती है। आइए अब हम दूसरे पार्टी के विजन की बात करें जो दूसरी मेजर पार्टी है That is Indian National Congress, which is also known as popularly Congress Party. इसका चुनाव चिन्ह हथेली छाप है, पंजा हाथ का पंजा भी कह सकते हैं। ये भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक दल है। आजादी जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो माना जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 उसके बाद 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। इनका जो मुख्य थ्योरी है ये सेक्युलरिज्म में विश्वास करती है जो ये कहती है कि हमारा मेन एजेंडा है सेक्युलरिज्म है। ये अपना मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है बताती है वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटी सेक्शन, भारत के जो कमजोर वर्ग है और जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनका वेलफेयर करना कांग्रेस पार्टी अपना मेन ऑब्जेक्टिव बताती है। भारत में जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1990s के बाद वो कांग्रेस पार्टी के समय से शुरू हुए थे। आज कांग्रेस पार्टी भी भारत के प्रमुख गठबंधन को नेतृत्व कर रही है जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से जाना जाता है और आज कांग्रेस पार्टी भारत के मेन अपोजिशन के रूप में काम कर रही है। थर्ड मेजर नेशनल पार्टी इज बहुजन समाजवादी पार्टी।
चिन्ह है एलिफेंट हाथीचा। इनकी स्थापना 1984 में माननीय काशी राम जी के नेतृत्व में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी स्थापना का जो इंस्पायरेशन है वो भारत के कई धर्म और समाज सुधारक जो थे उनसे प्रेरणा लेकर इनकी स्थापना की गई थी, जैसे साहू महाराज जी हैं, महात्मा फुले जी हैं, पेरिया रामास्वामी नायकर जी हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे जो धर्म सुधारक या समाज सुधारक लोग हैं उनसे इंस्पायरेशन लेके इस पार्टी की स्थापना रखी गई थी। बहुजन समाजवादी पार्टी का जो मुख्य बेस है, जो सपोर्ट है, वो दलित समुदाय के बीच में, आदिवासी समुदाय के बीच में और भारत के पिछड़े वर्गों के बीच में, और रिलीजियस माइनॉरिटीज जो मुस्लिम वर्ग है उनका सपोर्ट भी बहुजन समाज पार्टी का बेस माना जाता है। और आज के डेट में बहुजन समाजवादी पार्टी का जो मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे बहुजनवादी समाजवादी पार्टी अपने एग्जिस्टेंस में है, दैट इज उत्तर प्रदेश। उसके अलावा थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी बहुजन समाजवादी पार्टी का बेस बना हुआ है। एनसीपी या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह घड़ी है, और इनकी स्थापना 1999 में कांग्रेस पार्टी के टूटने के बाद हुई थी। कांग्रेस के तीन प्रमुख लीडर, महाराष्ट्र के शरद पवार, नॉर्थ ईस्ट से पी ए संगमा और बिहार से जो एक तारिक अनवर, ये तीन कांग्रेस के प्रमुख लीडर थे, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर इस पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन आज ये यूपीए का, कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली गठबंधन यूपीए का वो हिस्सा है। इनकी जो मेन आइडियोलॉजी है गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड सोशल जस्टिस। और इन जो स्थापना का जो इनका मेन मकसद ये हुआ था कि इनका मानना है कि ओनली इंडियन बोर्न सिटीजन टू टेक ओवर द हाई ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट, एक भारतीय व्यक्ति ही भारत के मुख्य पद पे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे जो सामान्य पद होते हैं उसमें एक भारत में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वही उस पद को संभाल सकता है। आज गठबंधन की मदद से एनसीपी कुछ राज्यों में अपनी सरकार को अस्तित्व को बनाए हुए है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई चुनाव चिन्ह देख सकते हैं, पेडी और हसिया जो है ये इनका प्रमुख चुनाव चिन्ह है। 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की थ्योरी को विश्वास करता है जिसके तहत सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की आइडिया को प्रमोट करता है। It supports the forces of sectionalism and communism. Then, having supports among poor, farmer, factory workers, agriculture laborers, and the intelligentsia वर्ग जो कह सकते हैं उनके बीच, प्रबुद्ध वर्ग जिसको कहते हैं उनके बीच में इनका प्रभाव है। At present, enjoying support only in Kerala and lost its support इन वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। एक समय वेस्ट बंगाल में सबसे लंबे से रिकॉर्ड थोड़े समय तक शासन करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आज वेस्ट बंगाल से भी अपना प्रभाव खो चुकी है, त्रिपुरा से भी प्रभाव खो चुकी है, अभी इनका प्रभाव केवल केरला में देखने में नजर आ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, हसिया हथौड़ी इनका जो है चुनाव चिन्ह है। सीपीआई एम के नाम से ये जानी जाती है पॉपुलरली। 1964 में इसकी स्थापना हुई। इनकी जो थ्योरी है सीपीआई से लगभग मिलती जुलती इनकी थ्योरी है, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म सोशलिज्म सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में इनका विश्वास है। दे आल्सो अपोज द थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। दे आर अगेंस्ट ऑफ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल एंड गुड्स। इनका मुक्त व्यापार की जो नीति है, वस्तुओं के जो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड्स हैं उनका ये विरोध करते हैं। इनके साथ में वही स्थिति है कि इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी केरला में बचा है। वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में जो इनका सपोर्ट था, जो इनका शासन था, वहां से इनका प्रभाव लगातार समाप्ति की ओर जा रहा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसे टीएमसी के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, दो फूल की जोड़ी जो है इनका चुनाव चिन्ह है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस पार्टी से टूट के ही एक अलग पार्टी के रूप में
तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इनकी फाउंडर या चेयरपर्सन ममता बनर्जी जी हैं और इनका जो आइडियोलॉजी है एंटी कम्युनिज्म एंड बंगाली नेशनलिज्म। मिट्टी मानुष का जो कॉन्सेप्ट है ये जो है इनकी जो है मेन जो है कह सकते हैं इनका कोर कॉन्सेप्ट है। आज के डेट में वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस रूल कर रही है। इसके अलावा इनका सबस्टेंशियल सपोर्ट जो है मणिपुर त्रिपुरा और केरला में भी देखने में आ रहा है। सो देखिए जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं सेवन उनके आइडियोलॉजी और उनके विजन पे हमने चर्चा कर ली है। इसके अलावा अभी बात की गई थी कि दो और पार्टी बनी है, एक नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है जिसे नेशनल पार्टी के रूप में दर्जा मिला है जो हमने पिछले सेशन में हमने बच्चों से डिस्कस किया था, और अभी रिसेंटली एडेड इन दिस लिस्ट जो आम आदमी पार्टी है उसे भी नेशनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज का जो है दर्जा मिला है। आपके बारे में बच्चों को मालूम होगा पिछले सेशन में हमने देखा था जो ब्रूम है झाड़ू उनका चुनाव चिन्ह है, इनके जो नेशनल फाउंडर कह सकते हैं या कोऑर्डिनेटर कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं, और इनकी स्थापना का जो मुख्य मकसद था करप्शन फ्री इंडिया जो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, और आज दिल्ली और पंजाब जैसे क्षेत्रों में ये शासन कर रहे हैं। तो मेनली ये सभी पार्टीज के विजन थे जो हमने डिस्कशन किया। अब इस चैप्टर से जुड़े दो प्रमुख टॉपिक्स बचे हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ बच्चों का ये चैप्टर आज पूरी तरह से फिनिश हो जाए। ठीक है, सो फर्स्ट सर गो अहेड राहुल जी। यस सर, प्लीज प्लीज गो अहेड। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमने राजनीतिक दलों के बारे में बात किया, मेजर राजनीतिक दलों के विजन पे भी हमने चर्चा की। आखिर राजनीतिक दलों के साथ क्या चुनौतियां हैं? आज हम अक्सर बात करते हैं राहुल जी, आपस में कई बार बात होती है, अरे राजनीतिक दल के साथ बड़े समस्या है, बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, करप्शन क्रिएट हो रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ऐसी कई तरह की बातें लगातार चलती रहती हैं। आखिर ये समस्याएं क्यों जी, कई बार क्यों राजनीतिक दल पब्लिक के बीच से अपना सपोर्ट लगातार खोती जाती है, कई बार क्यों कोई एक राजनीतिक दल नया एस्टेब्लिश होता है और बहुत जल्दी पूरे देश में अपना प्रभाव एस्टेब्लिश कर लेता है। कुछ समय पहले कोई राजनीतिक दल पब्लिक के बीच में बिल्कुल, आप उदाहरण के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर लें, एक ऐसा भी समय था जब इनके एक सांसद भी, जब भारतीय जनसंघ के रूप में ये थी पार्टी, एक इवन भारतीय जनता पार्टी का जब शुरुआती दौर भी था तो एक सांसद भी बड़े मुश्किल से जीत के आ पाते थे, और आज भारत की ही नहीं मेंबरशिप के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और आज पिछले 10 सालों से लगातार भारत पे शासन कर रही है। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं कि कोई राजनीतिक दल बहुत आगे बढ़ जाती हैं? इसके लिए हमें उसके चैलेंजेस को समझना पड़ेगा और कोई राजनीतिक दल क्यों पीछे चली जाती है उसके लिए उसके चैलेंजेस को डिस्कस करना पड़ेगा जी। सबसे पहले जो चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। बच्चों इसको समझना बहुत ही आसान है। आपने याद होगा जब पिछले सेशन में हमने डिस्कशन किया था, हमने बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तीन कंपोनेंट्स बताए थे, लीडर्स, फॉलोअर्स एंड सपोर्टर्स। हमने क्या देखा था, किसी भी राजनीतिक दल में लीडर्स फॉलोअर्स बहुत होते हैं और सपोर्टर्स तो मिलियंस में होते हैं, लेकिन लीडर्स की संख्या बहुत कम होती है। उस पार्टी से जुड़े हुए डिसीजन लेने वाले जो है मुट्ठी भर के लोग ही होते हैं, जो कौन से पद पे कौन बैठेगा, पार्टी से जुड़े हुए फैसले कौन लेगा, इसके लिए कोई मैकेनिज्म, इंटरनल मैकेनिज्म पार्टी में नहीं होता, जिसके कारण पार्टी जो है लोगों के बीच से अपना सपोर्ट लगातार खोती जाती है। सो पार्टी के बीच में इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी ये पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है। सेकेंड, चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेसन, वंशानुक्रम परंपरा। बच्चों आप देख सकते हैं भारत के ज्यादातर राजनीतिक दलों की आप बात करें आप देखेंगे वहां पे आपको डायनेस्टिक सक्सेशन की समस्या नजर आएगी। देखिए एक राजनीतिक दल अपने लीडर्स के साथ फॉलोअर्स और सपोर्टर्स सबसे मिलकर बना होता है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि राजनीतिक दल में पूरा जीवन लगा देने वाले ऐसे लोग किसी
प्रोमिनेंट लीडर के बच्चों के कारण उनका किया कराया सारा बेकार हो जाता है, वो अपने बच्चों को आगे जाके प्रमोट कर देते हैं और जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन पार्टी के प्रति लॉयल्टी निभाई है उनको मौका नहीं मिल पाता। और इसका परिणाम क्या होता है कि एक योग्य व्यक्ति, एक व्यक्ति जो काफी कुछ राजनीति अपने दल के लिए जिसने किया, उसे मौका नहीं मिल पाता और इस डायनेस्टिक सक्सेशन के कारण राजनीतिक दल सही तरीके से काम नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं डायनेस्टिक सक्सेशन हमें मोनार्की की याद दोबारा दिला देता है, जहां राजा का बेटा ही राजा बनेगा भले ही उसके पास योग्यता हो या ना हो। सो डायनेस्टिक सक्सेशन इज आल्सो ए मेजर चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज। थर्ड इज ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। हालांकि इलेक्शन कमीशन बहुत प्रयास करती है कि किसी भी तरह के मनी का प्रयोग इलेक्शन में ना हो पाए या किसी भी तरह के दबंग व्यक्ति या मतलब क्रिमिनल टाइप व्यक्ति को चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका ना मिले, लेकिन गाहे बगाहे हमें अक्सर ऐसा न्यूज सुनने को मौका मिलता है जिसमें कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे का दुरुपयोग करता है, पैसे का इस्तेमाल करके वोटों को खरीदता है, लोगों को प्रलोभन देने की कोशिश करता है। ये भी भारतीय चुनाव के लिए बहुत बड़ी समस्या है जो राजनीतिक दलों की मेन कह सकते हैं चैलेंज है जी। एंड लास्ट, डोंट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। अब निश्चित रूप से बेसिकली ये जो भी चैलेंजेस की बात करें, या लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी हो, या डायनेस्टिक सक्सेशन हो, या मनी एंड मसल पावर, भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों में हमें ये समस्याएं देखने को मिलती है। और इसीलिए जब मीनिंगफुल चॉइस किसी भी पार्टी के पास ना हो तो अंततः मुश्किल है लोग चुने तो चुने किस राजनीतिक दल। आइए अब हम देखें कि इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, एक राजनीतिक दल में किन स्टेप्स के द्वारा सुधार लाया जा सकता है। सबसे पहले थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ 1985। बच्चों पहले समझिए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। दल बदल का एक जो है रोंग ट्रेडिशन, एक्चुअली क्या होता था, राजनीतिक दल के जो लीडर है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए, या कई बार आवश्यकता पड़ने पे भी एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में चले जाते थे। ये संख्या इतनी ज्यादा थी जिसके कारण लगातार सरकारों को गिरने का खतरा बना रहता था। इसलिए 1985 में 52 अमेंडमेंट में शेड्यूल 10 के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसके तहत अगर चुनाव जीतने के बाद कोई भी विधायक या कोई भी एमपी अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है जी। अब चूंकि दल बदल इतनी बड़ी संख्या में हो रहा था जिसके कारण इसको कंट्रोल करने के लिए डिफेक्ट लाया गया, हालांकि बाद में इसे फिर एक अमेंडमेंट किया गया, इसके तहत अगर 1/3 नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए पार्टी विल चेंज देयर पार्टीज देन उनकी सदस्यता या उनकी मेंबरशिप रद्द नहीं होगी। अगर किसी पार्टी के एक तिहाई सदस्य अगर उस पार्टी को छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती। सुशील जी कंक्लूड करना होगा बहुत जल्दी से, जस्ट लास्ट बस थोड़ा सा रिपीट करना है इसमें, अब कुछ नहीं बचा है प्लीज। जैसे कि सेकेंड मनी एंड मसल पावर बताया गया था, इलेक्शन कमीशन जो है भारत की बहुत अच्छा काम कर रही है इस फील्ड में, थोड़ा और बेहतरीन प्रयास करना पड़ेगा कि मनी और मसल पावर का इस्तेमाल कम से कम हो, तभी राजनीतिक दल में सुधार आ सकेगा। सभी इलेक्शन कमीशन ने एक और नॉर्म्स बनाया है कि सभी राजनीतिक दलों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना पड़ेगा, इससे भी जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी राजनीतिक दलों में। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस हर एक राजनीतिक दल को कराना जरूरी है, तभी पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी आएगी और जो एक फॉलोअर है, एक जो सपोर्टर है, उसकी बात सुनी जा सके। डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी एवरी ईयर, जितने भी मेंबर्स हैं चुनाव लड़ने वाले सभी को अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना पड़ता है, इससे पता चल जाता है कि आखिर लोगों के पास, किसी नेता के पास अगर इतनी प्रॉपर्टी एक्युमुलेट हुई है तो उसके सोर्सेस क्या है, वो गलत तरीके से कर रहा है या सही तरीके से कर रहा है। एंड लास्ट, जो पार्टी मेंबर है उनके एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी राजनीतिक दलों में सुधार हो सकता है। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये सेशन पसंद आया होगा और उनके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एवरीवन। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मीनिंगफुल चैप्टर के लिए। मैं कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सुशील जी। हमारा ये
सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन चलते चलते मैं बस आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहूँगा, और वो ये कि परीक्षा पे चर्चा इस दफ़ा 27 जनवरी 2023 को होने जा रही है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी सीधे संवाद करेंगे शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों से। तो आप उनके जो अनुभव हैं जीवन के, उन्हें सुनिए और जानिए कि कैसे तनाव रहित रहकर परीक्षा को उत्सव बनाया जा सकता है। और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन समेत अनेक चैनलों पर और ऑल इंडिया रेडियो पर सीधा प्रसारण किया जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा और तारीख याद रखिएगा 27 जनवरी 2023। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।